हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग CVT PG एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस वगैरह प्रैक्टिस के लिए होता है, तो आप चाहो तो अपने प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में आप लोगों को CVT रिलेटेड ढेर सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने जो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं CVT एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और ये आज हम लोगों का हो गया है वीडियो नंबर 8। ठीक है, वीडियो सीरीज का हमारा 8 नंबर वीडियो है। उससे पहले हमने 7 वीडियोज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो आप चाहो तो अगर वो सारे वीडियो को चेक नहीं किए हैं तो आप चाहो तो यहाँ पे आई बटन पे वो सारे वीडियो फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके भी वो सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज यूनिट 3 का बायोकेमिस्ट्री के अंडर में जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और उसके आंसर को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है, ये चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखिए, हमने पहले यूनिट 1 को कंप्लीट किया, 2 को, अभी 3 चल रहा है। 3 के लास्ट वाले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन का देखा था, आज हम DNA का देखने जा रहे हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, इस तरह से हमारा सीरीज कंटिन्यू होते जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, दिस फोर्स कैन स्टेबिलाइज DNA डबल हेलिक्स। इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि DNA डबल हेलिक्स को स्टेबिलाइज करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है? हाइड्रोफिलिक यानी जो वाटर को लव करते हैं। सो वाटर लविंग सुगर फॉस्फेट ग्रुप्स आर फाउंड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द हेलिक्स वेयर इंटरेक्शन विद वाटर अकर्स। यानी कि बोला जा रहा है जो DNA ये डबल स्टैंडर्ड है, इसके जो 2 स्ट्रैंड है ये बाहर की ओर जो होते हैं ना, ये होते हैं सुगर और फॉस्फेट। यहाँ पे सुगर और फॉस्फेट से बैकबोन बना रहता है, तो ये वाटर के तरफ एक्सपोज होते हैं, इसीलिए इनको हाइड्रोफिलिक कहा गया। ये प्रोवाइड करते हैं DNA को डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी। या फिर बिट बी में देखिए, ऑप्शन बी में, हाइड्रोफोबिक बेसिस यानी वाटर हेटिंग बेसिस जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स, ईच बेस पेयर इज स्टेबिलाइज बाय द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए, ये तो बेसिस इंटीरियर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये सही बात है, लेकिन वो सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बियर नहीं करते। हमें मालूम है जी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी के साथ बाइंड करता है, उसी तरह ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी के साथ बाइंड करता है, तो सेम तो नहीं हुए, तो ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद कोवेलेंट बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में टेक प्लेस बिटवीन नेबरिंग बेसिस विद इन द सेम स्ट्रैंड इन द हेलिक्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन, ये पॉइंट गलत है। उसके बाद नॉन कोवेलेंट एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस इन ऑपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द स्ट्रैंड इन द हेलिक्स, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप लोगों का सुगर और आप लोगों का बेसिस के साथ फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस इन ऑपोजिट स्ट्रैंड, ये गलत है, तो ये वाला भी पॉइंट गलत हो गया। तो हमारा राइट पॉइंट है ऑप्शन ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इफ द DNA स्ट्रैंड हैज अ नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस ATTGCC द mRNA विल हैव। तो ये DNA का सीक्वेंस पूछा है, मतलब हमें mRNA उसका जस्ट कम्प्लीमेंट्री करना है। मान लीजिए ये ATTGCC, हमें ध्यान देना है ये mRNA है, यानी कि एक तरह का RNA, तो ए के साथ कौन बाइंड होगा, यू होगा, टी नहीं। उसके बाद टी का अपोजिट कौन रहेगा, ए, टी का अपोजिट ए, उसका जी का अपोजिट सी, सी का अपोजिट जी और सी का अपोजिट जी, तो ये सीक्वेंस हमारा बना UAA CGG। कहाँ पे देखते हैं, ATGCA UGG ACC UAA CGG, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा DNA के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, दूसरा होता है हमारा कोडिंग। तो हमारा एक्चुअल में ये हमारा कोडिंग सीक्वेंस बियर करता है, लेकिन हमें अगर प्रोटीन बनाना है तो हमें टेम्पलेट को क्या करवाना होगा, ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। तो इसको अगर ट्रांसक्राइब करेंगे तो हमारा जो mRNA बनेगा एग्जैक्टली कोडिंग स्ट्रैंड का तरह सीक्वेंस बियर करेगा, सिर्फ टी के जगह यू होगा। आई होप आप लोगों का ये बेसिक चीज क्लियर हुआ होगा। इन DNA द एंजाइम स्विच ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड ईच। सो DNA में जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कब ब्रेक करता है आप लोगों को मालूम है, ये जब ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, DNA के रेप्लिकेशन टाइम में 2 स्ट्रैंड अलग होते हैं, तो वो कौन सा एंजाइम करता है, लाइगेज हेलिकेज टॉपोआइसोमेरेज पॉलीमर, उसको कहते हैं हेलिकेज, और इसका दूसरा नाम है अनवाइंडेज, ये भी याद रखिए, अनवाइंडेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम है अनवाइंड करवाना। कैसे करता है, बाय सिंपली ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। ठीक है, उसके बाद देखिए, ए न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, एक न्यूक्लियोसाइड किससे बना रहता है, बेस और सुगर, बेस सुगर फॉस्फेट, बेस फॉस्फेट, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड का बताया गया है, मतलब यहाँ पे होगा एक सुगर और दूसरा होगा बेस, ये दोनों मिला के बनते हैं न्यूक्लियोसाइड, और उसके साथ अगर आपने एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये पूरा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हमें पूछा है न्यूक्लियोसाइड, तो हमारा आंसर होगा बेस और सुगर।
उसके बाद देखिए जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स। जेनेटिक म्यूटेशन कहाँ पे होता है? प्रोटीन आरएनए डीएनए न्यूक्लियस, जैसे रिपोर्ट डीएनए में होता है, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन बोला गया। उसके बाद देखिए डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में ओनली, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में, या फिर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ईआर यानी एंडोप्लाज्म, या फिर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या फिर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड आरईआर। सो ये पाया जाता है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट। और इसके कंडीशन ये है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर डबल हेलिक्स डीएनए होता है, ये भी याद रखिएगा, सर्कुलर डबल हेलिक्स डीएनए होता है। और ये अगर आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ा होगा, ये दोनों जो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन दिखाते हैं, बाकी सब में पाया जाता है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में, क्लोरोप्लास्ट में आप लोगों को डीएनए देखने को मिल जाएगा। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इन डीएनए इनमें से कौन से ग्रुप में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है? वायरस, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ओनली इन यूकैरियोट, इन सम वायरसेस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ इन सम वायरस में पाया जाएगा, और उसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको डीएनए मिल जाएंगे। क्यों इन सम वायरस लिखा गया? यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन भी तो हो सकता था, ए वाला भी, लेकिन ये वाला क्यों नहीं हुआ मैं बता दूँ। ज़्यादातर वायरस में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, कुछ वायरस को छोड़ के जहाँ पे डीएनए आप लोगों का वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, और बाकी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आप लोगों को डीएनए देखने को मिल जाएगा जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद देखिए क्रोमाटिन इज कॉम्पोज्ड ऑफ, क्रोमाटिन किससे बना रहता है? बहुत सिंपल है आंसर, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों को मिलाकर क्रोमाटिन फाइबर्स बने होते हैं। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स ओनली, प्रोटीन्स ओनली, नॉन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि डीएनए भी तो एक न्यूक्लिक एसिड है ना, तो न्यूक्लिक एसिड और ये प्रोटीन। द बेसिक रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल इज, डीएनए डीएनए मॉलिक्यूल का बेसिक रिपीटिंग यूनिट कौन है? तो ये रहा मान लीजिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, हिस्टोन, अमीनो एसिड। सो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि डीएनए को कहा जाता है पॉली न्यूक्लियोटाइड, याद रखिएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि ये जो डीएनए का एक स्ट्रैंड हो या चाहे दोनों के दोनों स्ट्रैंड, ये बने रहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बना के, इस तरह से बॉन्ड बना के आप लोगों का एक चेन बनाता है, उसी तरह दूसरा चेन भी इस तरह से एक एक करके जुड़ा रह के बना रहता है, और बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय, सो जो न्यूक्लियोटाइड अभी जैसा कि मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़कर इस तरह से एक चेन और ये स्ट्रैंड इस तरह से हमारे दो स्ट्रैंड बनाते हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट फॉस्फोडाइस्टर आयनिक या फिर पेप्टाइड, उसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद रखिए इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए, डीएनए का एक टर्न जहाँ से शुरू हुआ है मतलब एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है तो वो कितना एमस्ट्रॉन्ग का होता है? 34, सॉरी ये 3.4 है, 34 एमस्ट्रॉन्ग, 20 एमस्ट्रॉन्ग या फिर 3.04 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर है 34 एमस्ट्रॉन्ग, और इसको अगर नैनोमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है आप लोग, एक टन, ठीक है एक टन। और उसमें भी मैं बता दूँ, एक मेजर ग्रुप होता है, मेजर ग्रुप, और दूसरा होता है माइनर ग्रुप। मेजर ग्रुप होता है 22 आर्मस्ट्रॉन्ग का और माइनर ग्रुप होता है 12 आर्मस्ट्रॉन्ग का, दोनों को मिलाएंगे तो आप लोगों का 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, एक टर्न डीएनए का एक टर्न, ठीक है याद रखिएगा। उसके बाद देखिए द यू वाइड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल यानी ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल, उसका विड्थ पूछा है, ये वाला ये विड्थ कितना होता है? 15 आर्मस्ट्रॉन्ग, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 25 आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत ईजी है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको नैनोमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 नैनोमीटर। उसके बाद देखिए द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर इज, यानी कि पूछा गया है एक डीएनए आपके पास है 23 बेस पेयर का, उसका लेंथ मालूम करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, आपको मालूम है एक टर्न में डीएनए के एक टर्न में होते हैं 10 बेस पेयर, तो आप लोगों के पास 23 बेस पेयर है, यानी ये तो 2 कंप्लीट टर्न हो गया, 2 कंप्लीट टर्न हो गया, 2 टर्न इक्वल टू 20 बेस पेयर, 20 बेस पेयर, और 2 टर्न का लेंथ कितना हो जाएगा? एक टर्न का आप लोगों का अभी जस्ट देख के हैं 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 2 टर्न का कितना होगा? 34 प्लस 34 ये होगा 8, ये होगा 6, 68 हो गया। अब हमारे पास बचा 3 बेस पेयर, और हमें मालूम है डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आप लोगों के पास इसको ऐड करना है 3.4 प्लस 3.4 प्लस 3.4, तो आपके पास कितना हो जाएगा टोटल? देखिए 3 प्लस 3 प्लस 3 आप लोगों का हो गया 6, या इस तरह से हम ऐड कर देते हैं 4 6 12 1 3 3 3 9 10, सो 10.2 हो गया। आप लोगों इसको ऐड करना है किसके साथ? 68 के साथ, तो आप लोगों का हो जाएगा ये 78.2,
78.2 ये रहा आंसर। समझ में आया आप लोगों को? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके पास 1 टन इक्वल टू, आप लोग अगर समझ नहीं पाए, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो हम हमारा बना कितना, 2 टन बना, 2 टन बना, प्लस उसके साथ 3 बेस पैर को जोड़ना है, ठीक है, 3 बेस पैर, तो 2 टन का हो गया 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक बेस न्यूक्लियोटाइड से 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, तो आप लोगों ये दोनों को ऐड करना है, हमने तीन तीन ऐड कर दिए थे, इसको 2 को ऐड करना है, तो ये 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 3.4 प्लस ये 3.4, तो टोटल हो जाएगा हमारा 8, ये हो गया 3 से 6, 6.8 हो गया, तो 6.8 इसके साथ ऐड करना है, हमारे पास 68 आर्मस्ट्रॉन्ग प्लस 6.8 ऐड करना है, प्लस 6.8 इसको ऐड करना है, 6.8, तो हमारा हो जाएगा ये 8, ये 4, और ये आपका 1 हो जाएगा, 74। हाँ ये होगा, एक्चुअली हमने उस टाइम क्या किया था, 3 का ले लिया था, एक्चुअली हमें लेना था 2 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 74.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ए बी जेड सी, हमारा जेड डीएनए को लेफ्ट हैंडेड डीएनए, सिर्फ ये यही एक लौता डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड है, और ये जिगजैग पैटर्न शो करता है, ये भी याद रखिएगा, बाकी सारे के सारे डीएनए जो हैं ए बी सी डी ई वो सभी के सभी राइट हैंडेड होते हैं। जेड डीएनए हैव डबल हेलिकल नेचर, जिगजैग अपीयरेंस, यूरासिल बेस, सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर, ये आप लोगों का जिगजैग अपीयरेंस करता है। द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, कंजर्वेशन थ्योरी, डिस्पर्सिव थ्योरी, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, या फिर इवोल्यूशन थ्योरी? बहुत ईजी है, सेमी कंजर्वेटिव, और इसको किसने दिया था, मेसलसन एंड स्टाल ने, ठीक है, इसको प्रूव किए थे। उसके बाद टेलोमोरेज आर यूजुअली रिच इन व्हिच न्यूक्लियोटाइड, टेलोमोरेज किससे रिच रहते हैं, कौन सा बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, वो रहते हैं ग्वानिन रिच रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद व्हिच इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से लार्जेस्ट कौन है, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, कार्बन, ये बहुत ईजी है, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनना खुद से रहता है, एक शुगर और एक बेस और एक फॉस्फेट, अभी जो कि हमने डिस्कस किया। उसके बाद देखिए द क्रोमोजोमल डीएनए कॉम्प्लेक्स विथ, द क्रोमोजोमल डीएनए कॉम्प्लेक्स किससे बना था, 3 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, ये गलत है, हिस्टोन 3 टाइप्स नहीं होते, 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, H1, H2A, H2B, H3, H4, 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, H1, H2A, H3, H4, 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, H1, ये गलत है, ये वाला आप लोगों 4 टाइप्स लिखा है, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, H2B मिसिंग है, नहीं तो ये करेक्ट होता, तो हमारा आंसर है 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, और ये हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मदद करते हैं। उसके बाद देखिए टेलर वुड्स एंड ह्यूज लेबल्ड VCR डीएनए बाय अलाउइंग न्यू डीएनए सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ दिस साइकिल इट वाज ऑब्जर्व दैट ओनली 1 क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोजोम वाज लेबल्ड बोथ क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोजोम वेर लेबल्ड या फिर बोथ ए एंड बी नाइदर क्रोमेटिड वाज लेबल्ड तो ये इसका राइट आंसर है वो है बोथ जो टेलर वुड ने जो डीएनए VCR फाइबर का लेबल किया था उनमें उन्होंने मिला उनको क्रोमेटिड दोनों के दोनों क्रोमेटिड एक क्रोमोजोम के लेबल हुए थे। उसके बाद मेसलसन एंड स्टाल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन वाज कॉल्ड मेसलसन एंड स्टाल अभी मैंने कहा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है उनके जो एक्सपेरिमेंट किए थे। उसके बाद देखिए डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन व्हिच डायरेक्शन 3 to 5 5 to 3 रैंडमली वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नहीं ये हमेशा यूनिवर्सल 5 to 3 रहता है बिकॉज 5-2, 3 में आप लोगों को OH ग्रुप देखने को मिल जाएगा जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का काम है न्यू बॉन्ड बनाना तो एक तरह के यहाँ पे देखेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा इसका फिर से 3-OH ग्रुप फ्री रहेगा जो कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मदद करेगा। उसके बाद देखिए डीएनए गायरेज इन इक्वलाई में डीएनए गायरेज का दूसरा नाम है टोपो आइसोमरेज ये भी याद रखिए टोपो आइसोमरेज प्रोकैरियोट्स में ठीक है। आर्स पॉजिटिव सुपरकॉइल टू क्रोमोजोमल डीएनए कैन बी इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स इज रिक्वायर्ड ओनली एट द ओआरआई साइट या फिर परफॉर्म दिस सेम फंक्शन आज हेलिकेज इन यूकैरियोट्स सो इसका जो राइट आंसर है कैन बी इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स इसको इनहिबिट डीएनए गायरेज का बात किया जा रहा है यूकोलाई में इसको इनहिबिट कैसे किया जा सकता है बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स इसीलिए तो ज़्यादातर बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है ताकि उनके जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को मतलब इनएक्टिव किया जा सके जिस वजह से वो अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकते या फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए डीएनए व्हेन चार्ज्ड माइग्रेट इन ए जेल टूवर्स जब डीएनए चार्ज रहता है या फिर जब उसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है तो वो किस तरफ भागता है पॉजिटिव पोल की तरफ या फिर नेगेटिव पोल या फिर विल नॉट माइग्रेट या फिर नॉन ऑफ दिस आप लोगों को मालूम हुआ डीएनए खुद से एक नेगेटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज बायोमोलिक्यूल है
तो ये किसकी तरफ, इसके अंदर अगर करंट फ्लो करेंगे तो ये किसकी तरफ रन करेगा, वो पॉजिटिव पोल की ओर। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा होगा, उसका एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और डीएनए को फिलअप किया जाता है, जो वेल वगैरह होते हैं, वेल डीएनए में जो आप लोगों का स्लैब होता है उसमें नेगेटिव टर्मिनल को डीएनए को नेगेटिव टर्मिनल में फिलअप किया जाता है, ताकि जब करंट यहाँ पर फ्लो किया जाए तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ रन करे। उसके बाद बेसेस आर हेल्ड टुगेदर इन ए डीएनए डबल हेलिक्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर, जो बेसेस हैं डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बेसेस किस तरह का हैं जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स को जुड़े रखता है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड या फिर वैंडरवाल फोर्सेस, वो होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये था आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में पूछे गए थे। मैंने बहुत ही उसको सिलेक्टिवली इसको मतलब अरेंज करके यहाँ पे बनाया हूँ वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह क्वेश्चन वगैरह है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ पाएंगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक है उसके एमसीक्यू वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू।